हाय हेलो नमस्ते सत्यकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सीकराज एक बार पुनः आप सभी के बीच लेके आया हूँ वॉइस। पता है इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस होता है दोस्तों। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और कॉपी कलम निकाल के बैठो। वीडियो इतना अच्छा है कि देखते रह जाओगे। कोई डांस गाना तो है नहीं, इसलिए वीडियो को जम के देखना है। दूसरा टॉपिक है वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। परिभाषा क्या हुआ? द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। मतलब क्या होगा? वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वॉइस कहा जाता है। नहीं समझे? मतलब देखिए हिंदी कुछ निकाली, सेंटेंस माने वाक्य, ऑफ माने के, ऑब्जेक्ट जानती कर्म को बोलते हैं, और माने या, सब्जेक्ट माने कर्ता, आदर माने वो होता है या तो, पर माने के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन। देखिए वाक्य के या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वॉइस कहा जाता है। मतलब क्या? या तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार या तो वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होगा हुआ उसे वॉइस कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर। दे आर अंग्रेजी ग्रामर में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। अगर क्रिया के रूप में परिवर्तन वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होगा हुआ तो उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे। पैसिव वॉइस देखिए, द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। माने वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को पैसिव वॉइस कहा जाता है। मतलब अगर क्रिया के रूप में परिवर्तन वाक्य के ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। लेकिन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। द चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। माने सब्जेक्ट के अनुसार यदि क्रिया के रूप में परिवर्तन हुआ एक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट के अनुसार यदि क्रिया के रूप में परिवर्तन हुआ तो पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखिए, मैं हंसता हूं तो मैं काम खुद कर रहा हूं, ये टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। मुझे हंसाता है तो मुझे हंसाता मैंने हंसाने वाला कोई और है, ये पैसिव वॉइस है। मैं सब्जी बेच रहा हूं, तुम देखो बेचने वाला मैं हूं, मैं काम कर रहा हूं, सब्जी बिक रही है तो सब्जी खुद तो नहीं बिक रही, कोई बेचने वाला कोई और है। तो जिसमें कर्ता नहीं हो जिस सेंटेंस में वह वॉइस होता है। जिस सेंटेंस में काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, वो हमारा टेंस होता है। तो दोस्तों आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर समझ नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको कमेंट बताना है, इसलिए फ्रेश वीडियो लेके आऊँगा। लाइट की कमी है, वीडियो का क्वालिटी जो है थोड़ा सा कमज़ोर है। अगर आपको अगर वीडियो क्लियर नहीं देख रहे तो वीडियो को जूम करके देखिए, ठीक है, और इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। हैव अ गुड टाइम। आपका दिन शुभ हो।